ये बिग बॉस 13 देखा आपने, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये सीजन जो रहा है वो वैसे टीआरपी के मामले, हर कोई चीज के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, तो आपने देखा, फॉलो किया था ये सीजन? मैंने फॉलो नहीं किया था, बट गॉसिप एक ऐसी चीज है कि अगर आप ना भी फॉलो करना चाहो तो आप तक आ जाते हैं। एंड बिग बॉस भरा हुआ है गॉसिप से, सो ऑन एंड ऑफ पता चलता है। सलमान से वाले एपिसोड्स कभी कभी देख लेती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम शूट कर रही थी तो उतना आई डिड नॉट। एंड क्या होता है, आप एक बार देख लो फिर आपको लगता है आप नेक्स्ट डे भी सेम टाइम पे देखो, एंड वो मैनेज नहीं हो पाता, तो फिर आई एम लाइक क्यों खुद को ऐसे लूप में डालना जहां आपको पता है आप नहीं फॉलो कर सकते। बट आई हैव हर्ड ऑन एंड ऑफ। पर जो कपल्स है, सिडनाज है, आसिम हिमांशी है, फाहिरा है, इनमें से किसकी केमिस्ट्री आपको ऑन स्क्रीन अच्छी लगी? क्योंकि यार तीनों मैंने के ना ये गाने ओपिनियंस वेरी ऑनेस्टली नेहा, मैं ये ओपिनियंस बिग बॉस को लेके अब जिंदगी में कभी फॉर्म नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं एक बार घर में रह चुकी हूँ। एंड आई नो आपको कई बार जो दिखता है वो नहीं होता है, एंड कैसे चीजें तोड़ मरोड़ के कुछ और ही दिखने लगती हैं। सो आई फील सब कुछ अब एक पार्ट ऑफ द शो है। सो एज कैरेक्टर्स आई थिंक दे ऑल बीन डिसेंट, एज पीपल आई रियली डोंट नो इफ आई नो देम। तो वैसे फेवरेट्स में एक पिक किए, शहनाज और सिद्धार्थ का जैसे गाना आया भुला दूंगा, तो ऑन स्क्रीन वो केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स वी नो दे ऑन आर स्क्रीन फ्रेंड्स, दे बीन नाइस, ऑन स्क्रीन दे सी एनी टू गुड लुकिंग पीपल हु कैन पोटेंशियली परफॉर्म जनरली लुक गुड। अच्छा ये तो शूटिंग की बात की हमने, आई एम श्योर ये सवाल आपको भी बहुत सारे फैंस कर रहे होंगे कि बिकॉज़ यू डन सो मेनी फिल्म, टीवी में कब आ रहे हो आप? डेली शो में कब देखेंगे आप? आई नो ये सवाल है, मैं कई कई बार ये सवाल आ चुका है यार। पता है तो बिग बॉस के बाद एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था कि फिल्में करनी है, फिलहाल उन पर फोकस करना है, बिकॉज आई रिमेम्बर वीरा करने से पहले भी मैंने टेलीविजन को एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम दिया था, यू नो लाइक आई वाज ऑलवेज एसोसिएटेड, आई वाज देयर, एंड मैंने टेलीविजन एक लंबा समय किया है। लाइक आई एंड ऑनेस्टली जितने लोग लाइक यू नो मी पर्सनली, सो यू नो कि आई हैव दैट अफेक्शनेट फीलिंग फॉर टेलीविजन, वो कभी नहीं जा सकती। लाइक पीपल हु नो मी ऑन पर्सनल फ्रंट दे नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, तो वो अफेक्शन हमेशा रहेगा। कहीं ना कहीं वो क्रेविंग भी होती है बिकॉज रोजाना का कनेक्ट है, लोग आपको रोज टीवी पर देखते हैं, एंड यू नो द कनेक्शन विथ योर डेली ऑडियंस इज रियली डिफरेंट, एंड फिल्म बहुत अलग है, सो वो स्पेस में भी बहुत फर्क है। बट बिग बॉस के बाद एक कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं अभी थोड़ा टाइम फिल्म एक्सप्लोर करनी है, द ओनली रीजन बी कि मैं एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सप्लोर कर चुकी हूँ एक सर्टेन टाइम के लिए, एंड उसके बाद ये आइडिया वो इसकी डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना, आप डिफरेंट चीजें लर्न करते हो, बिकॉज टेलीविजन में इफ यू जैसे वीरा फॉर इंस्टेंस 2 साल तक मैं सिर्फ एक किरदार थी, यू नो लाइक मैं शायद कोई डायलॉग लिख के दे तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है कि क्या है क्यों है, आई रियली नो यू नो बिकॉज आप वो स्किन में इतना ज्यादा यू ड्वेल इनटू इट। बट फिल्म वैसी नहीं होती है ना, अगर आप दो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे साउथ में फिल्में करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है एंड रहा है, बिकॉज लैंग्वेज अलग है, न्यू चीजें पिक करना, सो दैट वे आई फेल्ट कि ये मुझे बहुत ही पेप्ड अप रखेगा एट दिस मोमेंट। एंड डेली सोप अगर कमिट कर लिया तो रोजाना वाला शूट होता है, देन आप डेली सोप के वैक्यूम के बाहर नहीं सोच सकते।